भारतीयों और सोने यानी गोल्ड का लगाव प्राचीन काल से देखा जाता है। आज भी हर साल धनतेरस पर या साल में एक बार कोई ना कोई जेवर हमारे घर पर आ ही जाता है और भारतीय स्त्रियों की लाइफस्टाइल तो गोल्ड के बिना अधूरी ही मानी जाती है। हर परंपरा में सोने को काफी पवित्र और उच्च कोटि का धातु माना जाता है, पर ये गोल्ड आता कहाँ से है? मतलब आपको भी कभी ना कभी ये क्यूरियोसिटी जरूर हुई होगी, ये सोना आखिर निकाला कैसे जाता है, आखिर सोना माइन से निकाला कैसे जाता है, सब बताएंगे हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सोना निकालने की शुरुआत होती है प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग अगर आसान भाषा में समझें तो ऐसी जगहों की पहचान करना जहां सोने के मिलने की संभावना हो और वहां के चट्टानों का टेस्ट करना। अब आप कहेंगे टेस्टिंग कैसी? तो इस टेस्ट में ये पता लगाना होता है कि क्या इस अयस्क से प्रॉफिटेबल मात्रा में सोना निकल पाएगा। मतलब सब कुछ करने के बाद जितना सोना निकलेगा उसकी कीमत जितना पैसा प्रोसेस में लगा रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। दरअसल माइनिंग करने वाली कंपनीज हर इलाके की जियोलॉजी का अंदाजा रखती है, यानी कहां की चट्टानों में क्या है इसका अंदाजा उन्हें होता है। उनकी नजर हर तरह के मेटल रिच एरिया पर होती है। यूजुअली सोना वहीं पाया जाता है जहां दूसरे मेटल्स जैसे कि चांदी और तांबा मौजूद होते हैं। इसके बाद पोटेंशियल गोल्ड साइट से चट्टानों के सैंपल को लैब में टेस्ट किया जाता है। फिर लैब में छोटे टुकड़े की स्टडी करके उस अयस्क पिंड की मॉडलिंग की जाती है। इसमें कई बार कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद भी ली जाती है। कंप्यूटराइज्ड मॉडल से अयस्क पिंड के शेप और टेक्सचर का अंदाजा लगता है। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि उस अयस्क को निकालने का सबसे सही तरीका क्या होगा, जिसमें उसमें उपलब्ध कच्चे सोने को कोई नुकसान ना हो और वो बेहतर तरीके से निकाला जा सके। अब बारी आती आखिर सोने की खुदाई कैसे होती है। तो जहां सोना पृथ्वी की सतह के थोड़ा ही भीतर मौजूद होता है वहां छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। इस प्रोसेस में उन जगहों पर डायनामाइट भरा जाता है और धमाकों की जरूरत के लायक जगह की खुदाई की जाती है। धमाके से टूटे चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक ट्रक में भरकर इनसे सोना निकालने के लिए भेज दिया जाता है। अब जहां सोना पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे मिलता है उसका क्या, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। दरअसल जहां सोना पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे होता है वहां अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। जी हाँ, जैसे KGF फिल्म में आपने देखा होगा बिल्कुल उसी तरह। उसमें लिफ्ट और शाफ्ट का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसमें गहरे गहरे वर्टिकल कॉलम खोदे जाते हैं ताकि उस लेयर तक पहुंचा जा सके जहां से माइनिंग शुरू करनी है। और उन कॉलम में हॉरिजॉन्टल गुफाएं बनाई जाती है। फिर उन गुफाओं में अंदर जाकर वहां से धमाके करके चट्टान के टुकड़े लिए जाते हैं और फिर उन्हें इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इन चट्टानों के टुकड़ों को ट्रक में भरकर मिल में भेज दिया जाता है। मिल में इन चट्टानों के टुकड़ों से सोना निकालने का असली काम शुरू होता है। अब बारी आती है आगे के प्रोसेस की। तो मिल में इन टुकड़ों का चूरा बना लिया जाता है। फिर चूरे में पानी मिलाकर सलरी तैयार की जाती है। अब आप कहेंगे ये सलरी क्या बला है? तो आसान भाषा में कहें तो ये गारा या सीमेंट का पतला मसाला होता है। बिल्कुल उसी तरह ये घोल होता है। इस सलरी से सोना निकालने की सबसे पॉपुलर मेथड है लीचिंग। ये सलरी में साइनाइड और ऑक्सीजन मिलाकर सोने को अलग कर लिया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सोना जितना तपता है उतना खरा होता है। तो आगे का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे स्टेजेस से इसे गुजारा जाता है। फिर सोना पिघलाया जाता है और इसके ब्लॉक तैयार कर लिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी सिनेमा में हम बचपन से देखते आए हैं सोने के बिस्किट। फिर इन ब्लॉक्स को आगे रिफाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन सारे प्रोसेस के बाद कहीं जाकर सोना बाजार में पहुंचता है। अब तो आप समझ गए होंगे सोना इतना महंगा क्यों है। आज दुनिया भर में मौजूद गोल्ड डिपॉजिट में से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जिनमें निकालने लायक क्वांटिटी में सोना है, और दुनिया का ज्यादातर सोना समुद्र की तलहटी गहराइयों में है। लेकिन फिलहाल हमारे पास वो सोना निकालने का कोई सस्ता और आसान तरीका नहीं है। अब जानते हैं हमारे देश में कहां कितना सोना दबा है। नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के आंकड़ों के हिसाब से देश में स्वर्ण अयस्क का कुल भंडार 50.183 करोड़ टन के लगभग होने का अंदाजा है। इनमें से सिर्फ 1.722 करोड़ टन रिजर्व कैटेगरी में,
अब भारत में स्वर्ण एस्क का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार के पास है। स्वर्ण एस्क की रिसोर्स कैटेगरी का करीब 44% हिस्सा यानी कि 22.28 करोड़ टन भंडार बिहार में है। इसके बाद राजस्थान 25%, कर्नाटका 21%, पश्चिम बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3%, झारखंड 2% है। अयस्क के शेष 2% रिसोर्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। अब आप कहेंगे जब देश में इतना सोना है तो निकालते क्यों नहीं, तो ये गोल्ड माइनिंग का पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है लागत और जमीनी स्थितियों पर। बिहार में सोने के बहुत से भंडार है लेकिन इसके बावजूद कम माइनिंग होती है क्योंकि वहां हमेशा ज्यादा लागत से लेकर माइंस की लोकेशन और नक्सल समस्या रही है। दरअसल कई बड़े भंडार ऐसी जगह पर स्थित है जहां कानून व्यवस्था के चलते खोज का काम बड़ा मुश्किल है। वही खदानों से सोना निकालने का फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें लागत कितनी है। सोने के साथ साथ किसी भी खनिज के खदान से निकालने और उसे शुद्ध रूप में लाने की लागत अलग अलग होती है। लागत ज्यादा होने पर सप्लाई के लिए इम्पोर्ट जैसे दूसरे रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस दौरान लागत कम करने की कोशिश भी जारी रहती है जिससे इम्पोर्ट पर निर्भरता घटाई जा सके। हाल ही में भारत ने सोने सहित कई अन्य खनिजों के लिए MEMC नियमों में अमेंडमेंट किया है। अब बात आती है सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में 2 लाख टन सोना यानी सबसे ज्यादा सोना 21,000 टन के लगभग भारतीय महिलाओं के पास है। साथ ही भारतीय अपनी बचत का 11% हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आज पूरी दुनिया में चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2017 में अकेले चीन ने 426.14 टन सोने का प्रोडक्शन किया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया में जब से सोने की माइनिंग शुरू हुई है तब से आज तक जमीन से करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। फिलहाल सोने के एनुअल प्रोडक्शन और यूज में चीन सबसे आगे है। काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 24,000 टन सोना होने का अनुमान है। इसमें से भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात तो यह कि इतना सोना सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले शीर्ष 5 देशों के बैंकों के भंडार को मिलाकर भी नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस खदानों से सोना कैसे निकाला जाता है, कैसा लगा आपको आज के वीडियो को देखकर, कमेंट तो करना बनता ही है। और अपने सामने में सबसे ज्यादा सोने के शौकीन लोगों को ये वीडियो शेयर भी कर देना। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।